यूनिफॉर्म अच्छा पक्का बन के देखूंगा बाहर जो जीरो बाहर आऊंगा ना देखो इन समाज नहीं अजे कुछ नहीं दसिया जी तो फर्स्ट अर्जी तो फड़िया है अजी फिर कल की कोई न्यूज आ गई सी फोटो आ गई सी कल बड़ा दिल्ली है पर अरेस्ट थ्री वो ना दिल्ली को किसी ऑन कोर्ट जो बोला दे देना कुछ नहीं उमा गल नहीं ये तो सामने आना जो फेरी लाओ जी इधर देर इतना जो है इसको अभी आईपीएस तो बन गया इंडिया में क्योंकि न्यूज पिछले दो दिन से चल रही है और इवन स्टेट की नेशनल लेवल पे भी क्योंकि आईपीएस ऑफिसर का नाम इन्वॉल्व करके ना थोड़ा सा हुआ है तो नेशनल लेवल पे भी आज सोशल मीडिया और उनका भी शेयर हो रहा है तो उसी सस्पेंस जो है हमारे 11th को नोटिस में आई थी 10th को इनफैक्ट 10th को ये रूपेंद्र सिंह नाम का जो लड़का है ये सीबीआरसी में जैकेट पहनी हुई थी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके बाद में इसने आके यहां पे क्योंकि मैं जब आपको आगे ब्रीफ करूंगा तो इसने अपनी स्टोरी पहले थोड़ी बनाई धीरे धीरे बैकग्राउंड में तो जब ये यहां आया तो हमारे जो है सीपीआरसी इंचार्ज रंजीत सिंह जी और जो सीपी साहब के लीडर हैं शुक्ला सिंह उन्होंने खिंचवाई साथ में क्योंकि जनरली आप देखते हो आप ऐसे फोटोग्राफ ग्रुप फोटोग्राफ होते नहीं है यूनिफॉर्म में हो जाए फिर ये फोटो जैसे ही इसके साथ खिंचवाई ये यहां से निकल गया लेकिन ये फोटो इन लोगों ने लोगों ने इसको कहीं आसपास घूमने में देखा होगा ये जब मैं एसीपी लाइसेंसिंग था याद तो नहीं ठीक है लेकिन एक लाइसेंस पुलिस स्टेशन से रिलीज करवाने के लिए एक आम चेहरा मुझे याद था मैंने इसको देखते पहचान लिया बाद में हम लोगों ने आपस में बात करी लेकिन इन बिटवीन ये इसको शक हो गया कि ये पता और आज जो है इसको ट्रेस करके ये हमें मिला है इसमें इसके खिलाफ मुकदमा हमने उसी दिन जो है मुकदमा 11 तारीख को इसके खिलाफ हमने दर्ज कर लिया था 62 नंबर जो इम्पर्सोनेशन की धाराएं हैं उसमें और 420 में क्योंकि हमें ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि ये यूनिफॉर्म पहन के और कुछ लोगों के साथ हो सकता है उनको ब्लैकमेल करता हो या थोड़ा इन्फ्लुएंस करता हो क्या क्या चीजें हैं वो तो आगे इन्वेस्टिगेट करने के बाद सामने एजेंसी है जिसके साथ में ये काम करता है कैन इंटरनेशनल सर बखोल बोलते हैं इमिग्रेशन में जैसा जितना इसने भी मुझे बताया कि इमिग्रेशन फॉर्म भरने का काम ये करता था उसका एक अच्छी खासी रकम लगभग ना हर फॉर्म के साथ में इसको 5,000 से लेके डिपेंडिंग ऑन वो अप टू वेरिफिकेशन है बट इसमें 10th 12th और ओपन स्कूल मतलब बीकॉम वो ओपन स्कूल है छोटी वाले भी साथ में जब आया था सर वो कैसे लिए ये विद्या कैरियर कॉलेज है हाँ इसमें हम ये और फिर ये यहाँ पे काफी छोटे पॉलिटिकल लीडर्स उनके साथ में मिल के
और ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जैसे रणजी स्वामी। हाँ जी हाँ जी रणजी स्वामी सर, इसको क्या दो तो आप अपने वो जारी करो क्योंकि बिना आई का। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो जो अभी हमें बताया है उसमें ये है हाँ उसको भी ये बताता रहा है कि मेरा मतलब मैंने एग्जाम दिया है, मैं अफसर बनूंगा, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको ये बता के कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अपने साथ कई बार ले जाता रहा है। ठीक है, तो जसपाल टेलर के पास में भी ये उसको लेके आया है और जब गया है तो जो बताया अभी तक की खास में, और फिर उसने बताया अभी हम देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि आई कार्ड भी उसने दिखाया है। जनरली आई कार्ड इतना कोई डेंस इश्यू की हुई है और 144 के इसके ऑर्डर्स भी हैं जो यूनिफॉर्म का मिसयूज नहीं हो इसको रोकने के लिए। फिर एक बार जो सामने आया है वो ये यूनिफॉर्म पहन के किसी पॉलिटिकल लीडर से मिला और उसके साथ में जाके उसके रेफरेंस से किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर से मिला जिनकी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो जस्ट एज ए पार्ट ऑफ कर्सी। ठीक है, बट अगेन ऐसा इतना फेक बंदा जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से वेरीफाई नहीं हो रहा है और किसी जेड कंसर्न कितनी देर से हमारी कर लो तोड़ लो यार ब्याज लेना तोड़ लो बाजी ज्यादा अगे लेना ब्याज लेना तोड़ लो बाजी ज्यादा अगे लेना ब्याज लेना तोड़ लो बाजी ज्यादा अगे लेना और इसके खिलाफ हम सलेम डाबरी थाने में एक FIR पहले रजिस्टर कर चुके हैं। इसके पास है अभी तक जो है हमें इसका एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और यूनिफॉर्म ठंडी और गर्म, साथ में कुछ बीकन्स वगैरह और कुछ और अनऑथराइज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो ये यूज नहीं कर सकता है एज ए पुलिस ऑफिसर, तो आगे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक जो है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक इमिग्रेशन में इसकी कंप्लेंट है जिसमें इसने कोई ठगी मारने की सामने आई है और उसके अलावा लोगों को इन्फ्लुएंस करना और ये छोटा मोटा काम है, लेकिन बाकी डिटेल में हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं और फैक्ट जो सामने आएंगे आपको बताएंगे। ये अलग अलग चीजें जैसे यूनिफॉर्म इसने लुधियाना से स्टिच करवाई है, ये जो बीकन आप देख रहे हैं नए पैटर्न की बीकन है ये इसने दिल्ली से खरीदी है। नहीं, ये अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है कि इसका और उसका कोई लिंक है, लेकिन हम उसको भी आपने बताया तो हम उसको भी। हाँ जी, ये जो फोटोज वगैरह आ रही हैं उसमें जितना अभी तक वेरीफाई किया उसके हिसाब से इसने अपने आप को एज न्यू IPS ऑफिसर बता के और जैसे किसी को ग्रीट करने के लिए जाते हैं उस तरीके से कर्टसी विजिट करके इसने फोटो खिंचवा ली। सर, ये कितने साल से घूम रहा था और इसने किस तरह के फायदे लिए? जितना अभी तक पता लगा है कि ये पिछले 1-1.5 साल से अपने आप को मतलब एज ए बैकग्राउंड बनाते हुए कि मेरा IPS में एग्जाम दिया हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, क्लियर होने वाला है, क्लियर हो गया है, ऐसा करके सिविल के अंदर लोगों से मिलता जुलता रहा है और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि 4-5 बार इसको अलग अलग जगह पे यूनिफॉर्म में भी लोगों ने देखा है पिछले 5-6 महीनों के अंदर, क्योंकि स्टिच जो यूनिफॉर्म इसने करवाई है वो अभी रिसेंटली करवाई है। रिकवरी क्या क्या हुई इससे? अभी इससे हमें यूनिफॉर्म के 2 सेट अलग अलग ठंडी और गर्म के बीकन्स ब्लू एंड जो बार बीकन है वो इसका रिवॉल्वर है और इसके साथ में राउंड्स वगैरह हैं, नेम प्लेट्स वगैरह, स्टार वगैरह जो यूनिफॉर्म के आर्टिकल्स हैं तो वो काफी सारे आर्टिकल्स मिले हैं और भी इसके जो डॉक्यूमेंट है इमिग्रेशन से रिलेटेड हो। ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में क्योंकि इसने पहले बताया था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं, कोई PCC क्लियर करवाने के लिए इसने अप्लाई किया था। जनरली अपना ये जो भी रुबाब है वो छोटे मतलब OR रैंक के मुलाजिमों या NGO तक ना इसने पहले से बैकग्राउंड बना रखा था, तो उन्हीं के साथ में ये आके उनको बता रहा था कि मेरा IPS में अब कंफर्म हो गया है और अब जो है मैं जल्दी ज्वाइन कर रहा हूं। इसके मेंटल लेवल के बारे में चेक करवाएंगे डॉक्टर से क्या रिपोर्ट आती है। अभी तक जो मोटिव है इसके साथ जितना पता लगा है कि ये थोड़ा सा इसका स्वभाव जो है फेंकू टाइप का है ये लड़का, और अपने आप को जैसे ये ट्रांसपोर्ट में एज ए एजेंट काम करता था लेकिन एज ए ओनर शो करता था, उसी तरीके से इमिग्रेशन के अंदर ये फॉर्म भरने वाले का काम करता था लेकिन उसमें भी पार्टनरशिप अपनी शो करता था, लोगों को बताता था कि हमारा काम है, ये कंपनी है हमारी, उसी तरीके से इसने ये कुछ मूवीज वगैरह देख के साउथ इंडियन और बॉलीवुड मूवीज देख के इसका पुलिस ऑफिसर बनने का थोड़ा सा इसको चस्का लगा, फिर अपने आप को IPS ऑफिसर की तरह सिविल के अंदर रिप्रेजेंट करने लग गया,
धीरे धीरे जब लोगों को उस आइडिया को लेने की वो एक्सेप्टेबिलिटी बन गई, तब इसने यूनिफॉर्म पाके जैकेट पहन के उनके सामने अपीयर होने की कोशिश करी और उस हिसाब से इसने किया। ये जो इसके पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ये आठवीं पढ़ा हुआ है, और ये जो क्लेम कर रहा है कि ओपन स्कूल से इसने किया वो बीकॉम बता रहा है, वो डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई करना है। वेपन इसका सर लाइसेंस? हाँ जी, अभी तक जो क्लेम कर रहा है वो लाइसेंसी वेपन है, लाइसेंस अभी रिकवर करना है, अभी रिकवर नहीं हुआ है। सर कहाँ रहा है दो तीन दिन से? ये पिछले कुछ दिनों से बीच में चंडीगढ़ चला गया, यहां से दिल्ली भी चला गया था, कल ही दिल्ली से वापस आया ये, तो इन बिटवीन हमें आज पुलिस मुलाजिम लेके भी घूमता था। हाँ जी, इसके कुछ जो होमगार्ड के दो तीन मुलाजिम हैं जिनसे इसका लिंक है, उसमें एक मेहरबान थाने का मुलाजिम है जो इसका दोस्त है, तो उसको इसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता के और इन्फ्लुएंस करके उसको अपने साथ कभी जब जरूरत होती तब बुला लेता था उसको। असल में इसका क्या काम और सोर्स ऑफ इनकम क्या था? इसमें ये अभी एट प्रेजेंट इमिग्रेशन फॉर्म भरने का काम करता है, और साथ में इसका काम जो ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं उनको बुक करवाने का है। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड, इसकी फैमिली जो हौजरी के हौजरी का काम करती है। इसने एक शादी की हुई है, पेपर मैरिज की हुई है, और उसके साथ में इसका डिवोर्स भी हो चुका है।